इस बार भी मैं इस बार हम जे क्वेरी के थ्रू कॉलिंग करेंगे, ठीक है, कंसोल लॉग पे। तो यहाँ पे मैंने एक डिव के अंदर आईडी दे रखी है टेक्स्ट, ठीक है, और थिंक है। सेव करा, रिफ्रेश करा, तो ये थिंक नाम से लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे थिंक से लिखा हुआ आ रहा है। अब ये हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मैंने डिव डाला है, और ये सब जे क्वेरी वगैरह पहले से ही था, ठीक है। मेन डॉट जे एस के अंदर हम जो भी करेंगे इसके अंदर करेंगे, डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन के अंदर, ठीक है। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि जे क्वेरी के सारा काम जो होगा इसी के अंदर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार जावा स्क्रिप्ट से कॉल करते हैं किसको, आईडी को, आईडी टेक्स्ट है ना यहाँ पे, टेक्स्ट आईडी को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, इवेंट अंडरस्कोर, ठीक है। अंडरस्कोर लगाने का कारण यही है कि इवेंट जो है वो पहले ही से एक डिफाइंड है, जैसे डॉक्यूमेंट से कोई वेरिएबल नहीं बना सकते हैं ना, तो अंडरस्कोर मैं ऐसे ही लगा दिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और टेक्स्ट, टेक्स्ट नाम की एक आईडी दे दी, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ थी। तो अब क्या होगा, हमने वेरिएबल क्रिएट कर दिया और आईडी तक एसेस कर लिया। अब क्या करेंगे हम, देखो कंसोल डॉट लॉग कॉलिंग यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को जो अभी अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है उसको वनीला जावास्क्रिप्ट भी बोलते हैं। वनीला इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि वो प्योर फॉर्म है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हम क्लासेस यूज़ करते हैं, फॉर लूप, स्विच यूज़ करते हैं, स्विच बताऊंगा अभी। तो इस तरह से कंसोल लॉग होगा यूजिंग जावास्क्रिप्ट। एक बार मैं सेव करके दिखाता हूँ कि क्या होगा लॉग पे। कंट्रोल शिफ्ट आई से कंसोल खोला। अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो आ गया थिंक। थिंक किस में था, कॉलिंग यूजिंग जावास्क्रिप्ट, यानी यहाँ पे कंसोल लॉग में जो चल रहा था वही आया, कॉलिंग यूजिंग जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आया यहाँ पे, ठीक है, और डिव एलिमेंट को एसेस हुआ, ठीक है। ये तरीका था हमारा जावास्क्रिप्ट से कंसोल लॉग करने का। अब आती है मेन बात, किस तरह से जे क्वेरी से एसेस करें। कुछ नहीं, सिंपल है, हमें यहाँ पे बस डॉलर सिंबल और राउंड ब्रैकेट के अंदर डालना होगा, ठीक है। जे क्वेरी से एसेस ऐसे होता है, तो कॉलिंग यूजिंग जे क्वेरी आ जाएगा। अगर हम पहले हमने इसको सेव कर दिया, अब जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो कॉलिंग यूजिंग जे क्वेरी आ गया। इस बार देखो थोड़ा डिफरेंट है, जे क्वेरी में दिखाया हुआ है कि डिव है एक, जिसका हैश सिंबल क्या बताता है, आईडी, जिसकी आईडी एक टेक्स्ट है। हमने इसको बड़ा करा तो इस तरह से आ गया, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, अभी ये सारे नल हैं, पहले से ही सेट होती हैं कुछ चीज़ें इसमें, ठीक है। तो हमें तो ये बस यही समझना है कि फ़िलहाल के लिए कि एक ऐसे फंक्शन को इनिशियलाइज कर दिया है जे क्वेरी के थ्रू कॉल करके, ठीक है। तो इस तरह से कंसोल के अंदर हम चेक करते हैं कि जे क्वेरी के थ्रू लॉक करा गया है, ठीक है।